हे दोस्तों, आपका स्वागत है आज की एक और एक्साइटिंग वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपको गूगल पे सर्च नहीं करने चाहिए, और करोगे तो कुछ नुकसान हो सकता है और कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हो सकती है, और मतलब नुकसान ही नुकसान है मोस्टली। अगर सर्च करना है तो उस केस में वो भी थोड़ा सा चीज़ें बताने वाला हूँ आपको क्या करना चाहिए उस केस के अंदर। तो बेसिकली ज़्यादा रिवेज नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दीजिए, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और कंटेंट ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो, मज़ा आ जाएगा आपको भी और मुझे भी। बेसिकली सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मार्टफोन कहाँ गया। तो सबसे पहले आपको गूगल पे क्या सर्च नहीं करना चाहिए, तो कस्टमर केयर का नंबर। दोस्तों बहुत सारी फ्रॉड वेबसाइट्स हैं जो एक मेरे जैसे लोग वेबसाइट बना के रेडी कर देते हैं, एंड वहाँ पर आपको गलत इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। काफ़ी बार आपको फ़ोन लगाते हो तो रॉन्ग नंबर रहता है या फिर कहीं और जाकर के मिल जाता है, तो उस केस में आप शिकार हो सकते हो किसी ऐसे पर्सन के जो फ्रॉड करता है। तो आप इन चीज़ों से बच के रहना है। अगर आपको किसी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर चाहिए तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के लो ना, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अलग से। अगर वो ईमेल से बात करते हो तो ईमेल से बात करो, वहाँ पर चैट बॉक्स है तो चैट बॉक्स से बात करो। अगर वो फ़ोन नंबर प्रोवाइड कराते हैं तो किस टाइम से किस टाइम तक लेकर के अवेलेबल रहता है उससे जाकर के बात करो। किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से आप किसी भी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर सर्च मत कर, मतलब सर्च करते हो तो मत लेना, वहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। तो आप सर्च करके भी देख लेना। अगर आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट से, अगर आप रियलमी के या फिर शाओमी के या फिर किसी भी ब्रांड के, आइडिया के, किसी भी ब्रांड के कस्टमर केयर नंबर से बात करना, कस्टमर केयर से बात करना चाहते हो, कस्टमर केयर नंबर सर्च करते हो गूगल पे, तो वहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही लेना है उनका नंबर। थर्ड वेबसाइट से लेते हो तो आप शिकार हो सकते हो, आपका पपलू कट सकता है, समझ रहे हो ना। बेसिकली दूसरे की बात करें तो यहाँ पर आपको गूगल पे कभी भी ईमेल आईडी सर्च नहीं करनी चाहिए। उससे क्या रहता है, ईमेल आईडी सर्च करते हो तो जो हैकर्स होते हैं और जो ईमेल आईडी होते हैं उसका पासवर्ड हैक हो सकता है, और आपकी ईमेल आईडी को यूज़ किया जा सकता है, और मतलब काफ़ी तरीके से आपके फ़ोन को भी हैक किया जा सकता है उस केस में। और आप खामखा की बेवजह की चीज़ों में, साइबर क्राइम तक की चीज़ों में फंसने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में ईमेल आईडी को कभी भी गूगल पे सर्च नहीं करना है अपनी ईमेल आईडी को। अगर मतलब आपके पास ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी से जाकर अपनी ईमेल चेक करो, जो भी चेक करना है ये सब करो। आप गूगल पे अपनी ईमेल आईडी को सर्च क्यों कर रहे हो, करना भी मत, ये काम करके मत देखना, बहुत ज़रूरी चीज़ है। बेसिकली बात कर लेता हूँ थर्ड पॉइंट की, तो यहाँ पे जो निकल के आ रहा है कूपन कोड को लेकर के। दोस्तों कभी भी कूपन कोड सर्च नहीं, हमारे पता क्या होता है, इंडियन जो वुमन होता है वो क्या करता है, कूपन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें सर्च करता है। अगर आप हमें अमेज़न से कुछ परचेज़ करना है या फिर कोई कूपन कोड सर्च करना है कि अमेज़न का कूपन कोड कैसा रहेगा, मिल जाए कुछ डिस्काउंट देखने को मिल जाए, तो डिस्काउंट के चक्कर में हम काफ़ी सारे फ्लिपकार्ट के या फिर किसी भी अदर वेबसाइट्स के, पेटीएम के, पता नहीं किस किस के कूपन कोड गूगल पे सर्च करते रहते हैं। तो उस केस में कूपन कोड को सर्च मत करो, वहाँ पे भी फ्रॉड हो सकता है, कोई मालवेयर आपके स्मार्टफोन में घुस सकता है, तो वायरस आ सकता है आपके स्मार्टफोन में और सारे इन्फॉर्मेशन निकाल कर लेकर भी जा सकता है, आपके अकाउंट तक को खाली कर सकते हैं ऐसे केस में। तो बच के रहना है, कभी भी ऐसी वेबसाइट पर नहीं जाना है। जब अमेज़ॉन या पेटीएम जो भी देगा कूपन तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा ना आपको, तो थर्ड वेबसाइट पर मत जाओ, क्यों खाम, इससे टाइम वेस्ट भी होगा और ऐसा कोई कूपन आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, और खाम आपके फ़ोन में वायरस घुस गया तो, समझ रहे हो। अब बात कर लेता हूँ फोर पॉइंट की, तो यहाँ पर आपको कभी भी मेडिसिन्स के बारे में सर्च नहीं करना चाहिए। अभी क्या करते हैं लोग, जैसे मेरे को हेडेक हो रहा है तो यार खुद के डॉक्टर खुद बन जाते हैं, उस केस में क्या करते हैं, हेडेक के लिए कौन सी दवाई यूज़फुल रहती है, हमें कौन सी दवाई लेनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस करना चाहिए, खुद से गूगल पर सर्च कर लेते हैं। गूगल पर कौन बताता है, कोई भी ब्लॉग आर्टिकल लिख रहा है वो अपने तरीके से बताते हैं। फिर हाँ मैं मानता हूँ कुछ डॉक्टर्स भी होते हैं जो ब्लॉग जो आर्टिकल्स को पब्लिश कराते हैं, बट काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं, काफ़ी सारे केसेस रहते हैं, खुद के मतलब अपने तरीके से कुछ भी ब्लॉग्स या फिर कुछ भी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन डाल दी जाती है, और विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस आप उन टैबलेट्स को, उन जो भी पूरा का पूरा फॉलोअप दिया जाता है उस वेबसाइट की तरफ से, आप उसको फॉलो कर लेते हो।
तो वो नहीं करना है आपको। आप उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो मत करो। अगर आपको ऐसी कोई चीज़ होती है, हाँ ठीक है, गूगल से इन्फॉर्मेशन लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट विदाउट एनी डॉक्टर कंसल्टेशन आप कोई भी मेडिसिन मत लेना। आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है और उस केस में काफ़ी बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो ये आपको ज़रूर से ध्यान देना चाहिए। आपको कभी भी मेडिसिंस को सर्च नहीं करना है गूगल के ऊपर, सर्च करना है विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और यहाँ पे एक और बात होती है, हम जब दिवाली आती है, होली आती है, फिफ्थ पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ हम क्या करते हैं, बोम बनाने की प्रक्रिया को गूगल पर सर्च करते रहते हैं, बहुत सारे वीडियोस को देख लेते हैं, बहुत सारे बोम बनाने की। तो उस केस में क्या रहता है, अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट पर चले जाते हैं या फिर कोई ऐसा काम करने की कोशिश सर्च कर रहे हो, अगर आपको साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ हो गई, तो वहाँ पर जो साइबर एजेंसी होती हैं, जो अपनी क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन एजेंसी होती हैं, वो आपके ऊपर नज़र रखती हैं। अगर आप ऐसा कोई काम करते हो, ऐसी कोई चीज़ें सर्च करते हो और ऐसा कोई गलत काम करने की कोशिश, उस केस में आपको फंसने के, जेल होने तक के चांसेस रहते हैं। तो आप ऐसे काम मत करो जिससे आप नज़रों में आओ, साइबर क्राइम के इशू में आता है। ये सब चीज़ें बोम बनाने का तरीका, हम सर्च करते रहते हैं छोटा बोम, बड़ा बोम, धमाका वाला बोम कैसे बनाया जाए, तो ये सभी चीज़ें सर्च मत करना, आपके फंसने के चांसेस रहते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। फिलहाल ये कुछ मेन पॉइंट्स थे। और आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको कौन कौन से पॉइंट और ऐसे लगते हैं जो गूगल पर सर्च नहीं करने चाहिए, जिनसे हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, या फिर कभी आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो गूगल पर सर्च करने के बावजूद आपको उससे, उस इंसिडेंट से परेशानी हुई हो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कोई ऐसा एक्सीडेंट, बताओ यार कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप समझ गए होगे कि आपको ये सभी काम नहीं करने चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।